सबसे साल से ज्यादा हमी को हो गया हमारे फादर की लाइन से। हाँ। नैनीताल की, साल नैनीताल की लेक। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में पहुंच गया हूँ मल्लीताल। मैं खा मखा चला चला बढ़ता गया। पहले दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के संग फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसान अली। और जो मेरा आज का ब्लॉग है नैनीताल की टूरिज्म के ऊपर है, नैनीताल के वेदर के उस पर है और नैनीताल के पर्यटक के उस पर है कि नैनीताल में कितने पर्यटक है। तकरीबन आज हमारा तो वीकेंड में ही चलता है, शनिवार इतवार में ज़्यादा क्राउड ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है पर्यटकों से, लेकिन आजकल हर दिन यहाँ भीड़ भाड़ हो रही है। सीज़न चल रहा है क्योंकि प्लेन समय ना गर्मी हो रही है तो नैनीताल में जो है सब ठंडा हो रहा है, चिल्ड चिल्ड और एसी जैसी हवा नैनीताल में चलती है, तो सब हवा खाने नैनीताल में आते हैं। ठंडा ठंडा कुल कुल ठंडी ठंडी हवाएं नैनीताल लेने जो लेना आते हैं वो नैनीताल में। तो चलिए अपने ब्लॉग का स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ नैनीताल का कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है। हाँ मौसमी, तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम में मौसमी का जूस बनवा रहा हूँ और अभी मैं पीऊँगा। और ये बहुत पुरानी शॉप है नैनीताल की जूस की, तो हम बचपन से ही पीते हैं जूस। और ये निकल रहा देखिए, कितना टाइम हो गया 25 साल तो हमी को हो गया, 25 साल से ज़्यादा हमी को हो गया हमारे फादर की लाइन से। हाँ तो ये देख सकते हैं मौसम्बी का बन के रेडी है जूस और इसको पीते हैं। 50 साल और ये शॉप है 50 साल से ऊपर है। और हम किसी से भी कहते हैं ना, हम यही कहते हैं कि जूस की दुकान के पास मिलना तो यहीं भी मिल जाता है, तो जूस की दुकान बड़ी फेमस है यहाँ पे। तो अब पीते हैं, तो ये देख सकते हैं आप आप देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ तल्लीताल। और तल्लीताल आज थोड़ा मेरा काम पड़ गया था प्राधिकरण ऑफिस में, तो मुझे यहाँ आना पड़ा, तो यहीं से एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ साथ, आप भी देख सकते हैं कि ये नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक दिख रही है, सामने पहाड़ देख रहे हैं। और तकरीबन आधा घंटा पहले अभी बारिश हो रही थी, अभी जस्ट मैंने जो व्लॉग डाला है उसमें मैंने बताया कि आपको नैनीताल में बारिश हो रही है आधे घंटे से, और बहुत तेज़ बारिश थी। तो ऐसी हो रहा है नैनीताल में, आधे एक घंटे बारिश हो रही है उसके बाद मौसम खुल जा रहा है, फिर धूप आ जा रही है। अगर दिन में बारिश हो रही है तो धूप आ जा रही है, और शाम को अगर बारिश हो रही है तो मौसम खुल जा रहा है और कल हवा भी चल रही थी। तो ऐसी ही नैनीताल का आजकल मौसम हो रहा है। तो ये अपडेट है कि रोज़ नैनीताल का मौसम ऐसा है कि आधे एक घंटा बारिश हो रही है, फिर धूप आ जा रही है, शाम को बारिश हो रही है तो रुक जा रहा है, मौसम साफ हो जा रहा है। और आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, आप यहाँ से देख रहे होंगे घर बने हुए हैं, ये सारे आपको घर भी हैं यहाँ पर, होटल भी हैं तो गेस्ट हाउस भी है, तो सारे इधर ही हैं। आप देख रहे हो छोटे 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 जगहों पे ये घर बने हुए हैं। और सामने हमारे नैनीताल की, सारे नैनीताल की लेक देख रहे हैं आप। और ये ना हमारा यहाँ पे, मैं बता दूँ यहाँ पे हमारा पुराना पिक्चर हॉल हुआ करता था यहाँ पे, ये तो जैसा मैंने आपको बताया ना यहाँ पे पिक्चर हॉल हुआ करता था बहुत पुराना, हमारे मम्मी पापा उस टाइम यहाँ देखते थे। अब तो कैपिटल सिनेमा हॉल ही है नैनीताल में, तो इस पिक्चर यहाँ का जो सिनेमा हॉल था उसका नाम था विशाल सिनेमा हॉल। तो यहाँ मतलब तीन पिक्चर हॉल थे यहाँ पे, कैपिटल सिनेमा हॉल तो अभी है ही, अशोक जो टूट गया वहाँ कार पार्किंग बन गया, और यहाँ पे ना विशाल पिक्चर हॉल हुआ करता था वो तो अब नहीं है। तो यहाँ पे मॉल बनना था पर अब ये रुक गया है। तो यहीं से आप देख सकते हैं नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक ये। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ और नीचे मैं दिखाता हूँ कैसा नज़ारा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप नैनीताल की लेक का आकार कैसा दिख रहा है, ये देख सकते हैं। अब बोट्स चल रही हैं और इधर हमारा माल लोड है। और वेदर ना आप देख सकते हैं कि वेदर ऐसा हो गया, बारिश के बाद खुल गया है और धूप भी आ रही है हल्की हल्की। तो इसी रास्ते से हम होते हुए जाएंगे रोडवेज स्टेशन, माल लोड होते हुए मल्लीताल को निकलेंगे। और पैदल चलना है, पड़ा काफ़ी टप पड़ जाता है पैदल चलना, क्योंकि बाइक तो ना गाड़ी है तो पैदल चलना बड़ा टप पड़ जाता है। पहले चढ़ाई में आओ फिर नीचे को जाओ तो बड़ा टफ हो जाता है। तो लेकिन आपके लिए व्लॉगिंग तो करनी है। तो यह है लेक, यहाँ से मतलब लेक आप देख रहे हैं कि इसका आकार ही कुछ बदल गया है। तो चलिए चलते हैं नीचे की तरफ। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ तल्लीताल में, और तल्लीताल में गाड़ी की आवाजाही इतनी हो रही है और इस टाइम तकरीबन 1 बज रहा है। जस्ट अभी मैंने 1 घंटे पहले नैनीताल का वेदर का ब्लॉग अपलोड किया है और आप देख सकते हैं यहाँ से नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। और इस टाइम मैं तल्लीताल आया हूँ, प्राधिकरण गया था ऑफिस, तो वहाँ से फिर नीचे उतरा हूँ। अब ये बना रहा हूँ मैं ब्लॉग आप तक पहुँचाने के लिए। और 1 घंटा बारिश होने के बाद और मौसम खुल गया है, ये देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पे बादल है और पर्यटक अब अपना घूमना शुरू कर दिया पर्यटकों ने।
और शाम होते होते पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो जाएगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। ये तो चलिए चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं थोड़ा सा नज़ारा आगे का कि आगे कैसा है। तो जैसा आप देख रहे हैं इस टाइम में पहुंच गया हूं मल्लीताल फुटपाथ के पास, नैनीताल की लेक के पास। और आप देख सकते हैं कि टूरिस्टों की संख्या में कितना इजाफा हुआ, कितनी टूरिस्टों की संख्या बढ़ गई है। और आप देख सकते हैं बोट्स भी हमारी चल रही है। और हमारी जैसे ईद थी ना, ईद के बाद सारे जो हमारे मोमडन मुस्लिम हैं तो वो सारे ईद के बाद आए हैं नैनीताल घूमने। तो ये देख सकते हैं आप कि सब बोट में बोटिंग करने जा रहे हैं इस टाइम, और हल्के हल्के बादल भी लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप इधर, ये तो ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। चलिए चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे से दिखाता हूँ मैं कैसा नज़ारा है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम में पार्क में आ गया, पार्क में बच्चों के कितने मज़े हैं आप देख सकते हैं कि झूले में बच्चे कितना झूल रहे हैं, काफ़ी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं नैनीताल आगे इस पार्क का। लेकिन एक झूला इसमें टूट भी गया उधर की साइड का, यही वाला टूट गया है। और क्योंकि इसमें शाम को इतनी भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ हो जाती है, पर्यटक इसमें झूलते हैं तो टूट गया है। लेकिन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर झूल रहे हैं बच्चे। और इधर ही नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक है। जैसे आप देख सकते हैं नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक। और आप ये देख सकते हैं बोट हमारी, और इधर आप बोट स्टैंड देख सकते हैं। और ऐसे ही हम जाएंगे इधर को, तो आप देख सकते हैं कि नैनीताल की शान में, नैनीताल की लेक में कितनी बोट से चल रही है इस टाइम। और काफ़ी टूरिस्ट की संख्या में इजाफा हो रहा है और रोज़गार अच्छा चल रहा है लोगों का इस टाइम। और आप देख सकते हैं मतलब अगर आप नैनीताल आए हैं और आपने बोटिंग नहीं करी तो आधा लुक तो आपने छोड़ दिया। आप नैनीताल आइए, बोटिंग करिए, क्योंकि इसका बोटिंग करने का अनुभव भी लीजिए। अक्सर लोग नैनीताल के नाम से नैनीताल को जानते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि नैनीताल में एक लेक भी है, बहुत प्यारी लेक है। तो हमारे ब्लॉग के माध्यम से उनको पता चलता है कि नैनीताल में लेक है, फिर वो खींचे चले आते हैं नैनीताल। और मेरे ब्लॉग से तो काफ़ी लोग नैनीताल में आ गए हैं, रुक के चले गए हैं, और मौसम की अपडेट भी उनको मिलती रहती है। तो और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से मौसम अभी अभी हो रहा है, अभी धूप थी और कहीं कहीं पर धूप है, और क्या पता शाम को होते होते फिर बारिश आ जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नैनीताल आ रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, मैं सारी आपको बताऊँगा नैनीताल कैसे आना है, कब आना है। और अभी आप आ रहे हैं इन दोनों में तो आप अपने संग गर्म कपड़े भी लाइएगा, एक आध जोड़ी आप ला सकते हैं। तो इस टाइम आप देख रहे हैं कितनी बोर से चल रही है। फाइनली यहाँ पे जो है मैंने अपना ब्लॉग कंप्लीट कर लिया है, और जैसे मैंने आज दिखाया आपको तल्लीताल फुटपाथ वेदर। और इस टाइम मैं जा रहा हूँ घर को, तो आज के ब्लॉग को पसंद आए तो लाइक करिएगा मेरे चैनल जिस चैनल नैनीताल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।